अनिल जी, शॉर्ट टर्म पिक में मैंने चुना है एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज। करंट प्राइस इज अबाउट 96, इसमें टारगेट प्राइस रहेगा 120। तो जैसा हम लोग जानते हैं, 4 से 5 डिफरेंट वर्टिकल्स हैं कंपनी के अंदर, और कंपनी ने जो रीसेंट इन्वेस्टर अपडेट और कॉन कॉल था उसमें बताया है कि नेक्स्ट 3 to 6 months में काफी सारे बिजनेसेस जो है वो उसमें से वो अनलॉकिंग करेंगे वैल्यू को। तो जो न्यूवावा में 14% स्टेक है उसमें अच्छा एक डील हो सकता है, और उसके अलावा जो EAAA है उसमें 100% स्टेक है, और जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसमें भी 100% स्टेक है। तो ये 3 या 4 बिजनेस वर्टिकल्स को आप मिला लें, और उसमें भी अगर आप होल्डिंग कंपनी डिस्काउंट को 60% के साथ एडजस्ट करें तो लगभग 120 से 125 का टारगेट आता है। तो ये एक स्पेशल सिचुएशन के तौर पे भी ये आइडिया को देखा जा सकता है। तो उसकी वजह से मैंने उसको शॉर्ट टर्म पिक में डाला है। टारगेट प्राइस रहेगा 120। तो 120 के लक्ष्य के लिए आपको करनी है खरीदारी एडलवाइज। यह है वो स्टॉक जहां पर तेजी करके चल सकते हैं। हेमंत सर की राय आती दिख